धूप भी सेक रहे हैं और साथ में अपने खेत में पानी डाल रही है जाए देखो। और ये है बेल पत्थर का पेड़, और तो यहाँ पे मंदिर भी बना के ये पत्थर। तो ये देखो दोस्तों, आपको छुई में दिखाता हूँ, ये देखो कैसे मुरझा जाते हैं। दोस्तों यहाँ केले कितने रुपए दर्जन है? कितने रुपए दर्जन है मन्नू? 15 रुपए। 15 रुपए दर्जन है केले। अच्छा, कैसे हो रहे भाभी? मस्त हो मस्त हो रहे। ये बात आंसू दूसरी बार आ गए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे और नई वीडियो में, हल्द्वानी शहर से। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, प्यारा सा मौसम रहा, देखो बढ़िया चिड़िया चहचहा रही हैं। अभी सूरज नहीं निकल रहा है, तो अभी सुबह आज जल्दी उठने का कारण है कि पीहू जा रही है नैनी डांडा, तो उनको अभी छोड़ के आ रहा हूँ मैं वहाँ पर। तो वहाँ से बस लेंगे वो, और एक और सहेली आ रही है उनकी, तो अभी इनको छोड़ने चलते हैं। सुबह सुबह देखो एक्टिवा में कितनी ओस पड़ी होती है, बाप रे बाप यहाँ पे। अब सर्दियों में ऐसी रहती है, साफ करते इसको। तो जी अभी छोड़ा है बीवी को, और यहाँ भी सुबह सुबह सब अपने काम धाम में लगे हुए हैं। सुबह ठंड हो गई भैया, इतनी ठंड है ना बाहर, देखो कैसे हेलमेट पहन के। तो अभी हम आए हैं अपने खेतों में, और बढ़िया सी धूप आ रही है, देखो यहाँ पे धूप भी सेक रहे हैं, और साथ में अपने खेत में पानी डाल रही है जाए देखो। और ये है बेल पत्थर का पेड़, और तो यहाँ पे मंदिर भी बना के, ये पत्थर से बना रखा है शिवलिंग, तो यहाँ पूजा भी करते हैं। देखो ये कल इस पेड़ में लगे थे छोटे छोटे, ये देखो ये मंदिर खा के चला गया, मुंगरी लगी थी, जिन्हों ये देखो सब खा के चला गया। हाँ इन पेड़ों में लगे थे, ईजा ने रखे थे महिंद्र के लिए कि महिंद्र आएगा आज तो उसको खिलाऊंगी। तो महिंद्र से पहले उसका दोस्त आ गया, तो वो खा के चला गया। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ लगी हुई, देखो क्या हाल कर गया इनके, देखो सब, देखो एक दाना नहीं छोड़ा, इसमें तो थे ना काफ़ी लगे हुए, एक दाना नहीं छोड़ा उसने। आप तो इनका टाइम हो गया था, इनमें दाना हो रहे हो थे, जब तुमको खिलाए तब तो वो छोटे छोटे थे। हाँ मैंने कहा तभी मैंने कच्चे तोड़ दिए थे, मैंने कहा कि। और ये देखो कितनी बड़ी, इसमें क्या रंग ने डाल रखा है, राख डाल रखी है। हाँ, ये धनिया, ये धनिया बोल रखा है पूरा, देखो लग जाता है ना। तो सही ना, अपने घर के बगल में थोड़े बहुत खेत हो, हरी सब्जी हो तो अच्छा लगता है। और यहाँ देखो कद्दू भी लग रहे हैं अभी भी, ये देखो छोटे छोटे कद्दू लग रखे हैं यहाँ, ये हाँ वो देखो उसमें भी लग रहे हैं, और इधर भी लगे हुए, देखो ये देखो ये कद्दू लग रहे हैं छोटे छोटे, जबकि कद्दू का सीजन तो चला गया, खूब कद्दू खाए, इतने कद्दू खा रखे हैं ना यहाँ पे अभी तक, अब रखे हुए हैं ना अभी, तो तीन चार रखे हुए हैं अभी, तीन चार अभी रखे हुए भी हैं, और खा भी बहुत लिए हैं अभी, पूरी यहाँ पे बेल है सब, ये वाला एक ये वाला है और एक वो वाला है। तो ये देखो दोस्तों, आपको छुई में दिखाता हूँ, ये देखो कैसे मुरझा जाते हैं, देखो ये होते हैं छुई में, ये देखो इसको हाथ लगाओगे ना, ये देखो कैसे हो गया, एकदम नीचे हो जा रहा है ये। देखो उधर से देखो, ये देखो कैसे हो रहा है, तो चल दोस्तों करते हैं नाश्ता, और नाश्ता बनने आलू बीन्स की सब्जी, और साथ में है अंडा भुर्जी रोटी। तो देखो सुबह सुबह यहाँ पे बैठते ना तो सामने से धूप आती है, बढ़िया लगता है। तो दोस्तों अभी हम गए हुए थे मार्केट, और हम लेके आए हैं बहुत सारा सामान, अभी दिखाता हूँ, ये देखो कितना सामान लेके आए हैं भर के। आज मन्नू और मैं कहते हैं आज छुट्टी थी ना मेरी, बाप रे भारी हो गए। तो दोस्तों देखो हम क्या क्या लाए हैं, हम लाए हैं गोभी, और ये लाए हैं हम नूडल जो आज हम बनाने वाले हैं, इसी के लिए गए थे, तो सारा सामान और भी ले लिए, प्याज है, आलू है, ये इसमें है बीन्स हैं, ये मूंगफली हैं, ये पालक है, आलू है, देखो कितना कुछ है। ये आलू इधर ने दो प्रकार के लिए, देखो छोटे आलू भी लिए, बड़े आलू भी लिए, और साथ में हम थोड़े फ्रूट्स लेके आए हैं,
तो आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने कहा मनु चल चलते हैं और हम चले गए मार्केट। तो मैंने कहा आज नूडल बनाएंगे सबके लिए, वहाँ चंडीगढ़ में तो बहुत बनाया ना, मैंने कहा यहाँ भी बनाते हैं। तो पहले पता नहीं था कहाँ मिलेगा, फिर महिंद्र का फ़ोन किया तो उसने बताया कि वहाँ मंडी मिल जाता है। तो मेन मार्केट में चले गए हम, तो वहाँ से ले आए और फ्रूट्स भी लाए हैं हम। देखो ये लाए हैं हम संतरा, और ये देखो एक और चीज़ लाए हैं, और ये हैं केले। आपको पता दोस्तों यहाँ केले कितने रुपए दर्जन है? कितने रुपए दर्जन है मनु? 15 रुपए। 15 रुपए दर्जन है केले। 15 रुपए दर्जन, 30 रुपए के 2 दर्जन दे रहा था वो। ये है मतलब इतने सस्ते हो रहे हैं केले आजकल। देखो तो चलो अभी ये सारा सामान रखते हैं। और तो जी अभी हम बैठ गए हैं फर्स्ट क्लास धूप में। ये देखो यहाँ पे चटाई लगा के यहीं पे बैठते हैं हम रोज। और ये ले आए मूंगफली धूप में, और थोड़े से ये है संतरे। गांव में तो माल्टे खा रहे होंगे, ये संतरे तो आराम से बैठ के खाते हैं। अभी लेके आए थे, पता नहीं मीठे हो रहे हैं, लेकिन संतरों का इतना स्वाद नहीं जितना माल्टों का है। माल्टों का अलग ही स्वाद है। मन्नू तुम्हारे यहाँ नहीं होते ना माल्टे? ना। तुमने खाए कब? खाते हो माल्टे वैसे? हाँ। बाजार से लेके ही कोई दे देता है? कई बाजार से कोई आता है बुलाता है। अच्छा, तो इनके इधर नहीं होते, इनके इधर आम ही होते हैं बस। तो देखो दोस्तों यहाँ ना मूंगफली के साथ नमक भी देते हैं खाने के लिए। तो जो भी मूंगफली वाला होता है उसके नमक रखता है वो, तो इसको मूंगफली के साथ खाते हैं। देखो यहाँ भर भर रखा हो, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको कैसा है नमक। मैंने इसको खोलता तो चंडीगढ़ वगैरह में नहीं देते हैं नमक साथ में, उससे खाली मूंगफली होती है, लेकिन यहाँ हर कोई मूंगफली वाला नमक देता है मूंगफली के साथ। ये नमक काला नमक, काला नमक तो नहीं है लेकिन हैंडल मूंगफली वाला नमक है उसे। तो इसको छिलके और इसमें लगा के खाओ, बढ़िया होता है। तो दोस्तों हमारे अंशु दिव्या अभी आ गए स्कूल से। दिव्यांशी कल छुट्टी है क्या स्कूल की? कल तो तेरा बर्थडे है फिर है? नहीं है। तो दोस्तों कल है दिव्यांशी का बर्थडे, तो दिव्यांशी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे कल। अभी आ गए हैं तो खाना खुना खाते हैं, मैं भी अभी जस्ट नहा के आ रहा हूँ। तो दोस्तों बढ़िया से देखो कितनी तेज धूप लग रही है, अभी नहा धो के आए हैं फर्स्ट क्लास और धूप में ही बैठे, और साथ में खाना भी आ गया है। ये मन्नू है। मन्नू तू भी खाता है क्या कभी कढ़ाई में? ना नहीं खाता। पूजू खाती है? मेरे को बढ़िया लग रहा है, कढ़ाई में आराम से खाते हैं। और आज क्या बना है? आज बनी है हरा साग, धपड़ी बोल सकते हैं इसको यहाँ को मामले से। बोलते कापा, क्या बोलते हैं? कापा कापा क्या? हाँ वही कापा कापा क्या बोलते हैं? क्या कापा ही बोलते हैं शायद। तो अब चलो खाते हैं। अंशु दिव्य भी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, अभी मुँह हाथ धो रहे हैं वो। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 6, और अभी जस्ट सो के उठा हूँ। और आज जैसे मैंने बताया था ना कि हम नूडल लेके आए हैं, तो आज मैं सबके लिए नूडल बनाने वाला हूँ। और मेरे साथ है यहाँ पे किचन में ये है मन्नू, हमारी हेल्प कर रहा है। ये अंशु तो ऐसे आ गया हो कट में, तो पढ़ाई करता है पैसों में आया बड़ी देर देर इधर। तो ये देखो, अच्छा दोस्तों ये मिली है, ये 1 किलो 700 ग्राम है, तो ये मिला है मुझे 75 रुपये का। ये देखो वैसा एक किलो कितने की बोल रहा था? 35 रुपये किलो बोल रहा था शायद, ऐसे कुछ बोल रहा था वो। तो ये ले आया हूँ मैं, बाकी गोभी वगैरह भी ले आया हूँ। मन्नू प्याज छिल रहा है, पानी उबालने रख दिया मैंने हल्का, जब ये बॉयल हो जाएगा गर्म हो जाएगा तो उसमें डालेंगे ये। तो अंशु को नहीं देंगे यार, अंशु कोई काम का नहीं है। दो वो आ गई। और दोस्तों ये देखो दिव्यांशी कैसी लग रही, कल इसका बर्थडे है तो आज ये ईजा ने इसको गिफ्ट दिया है। देखो ला के देखो, पता नहीं कितने दिन गिफ्ट देंगे, कहा ये भी गिफ्ट है वो नहीं है। तेरे पास तो गिफ्ट ही गिफ्ट है, तो ये बता जो गिफ्ट दे रहा है उसको क्या दे रही है? तो पार्टी दे रही हूँ। क्या दे रही है? पार्टी में पार्टी में क्या क्या होता है? पार्टी में समोसे होते हैं, मोमो होते हैं, चाउमीन होते हैं, बर्गर होता है। कब लाना है? कल तो मुझे पैसे दे दे, ठीक है मैं ले आऊंगा कल। ठीक है दोस्त, चलो बनाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। और कढ़ाई तो अपनी यही दर्द वाली तैयार, ये वाली सही होती है यार, हमारे घर में नहीं आती, बट ये वाली ठीक है, बढ़िया है। अरे नमक के चावल है ये? नमक का चावल नहीं है बेटा, इसे अजीना मोटो बोलते हैं। तो आप ये मार्केट से लेके आए हैं?
चल दोस्तों, फाइनली अपना जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो चुका है। ये रॉ प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ पे गोभी काटी हमने, ये प्याज है इसमें, ये है गाजर, बाकी ये अपने नूडल उबाल लिए हमने, देखो बढ़िया। और ये आ गई अपनी कढ़ाई, बाकी मसाले ये रखे हमने, चिली सॉस, ग्रीन सॉस, सोया सॉस, और ये है तेल, और इधर आ गया सिरका और अजीना मोटो। तो चलो बनाते हैं और इनको खिलाते हैं बढ़िया से। तो देखो दोस्तों, ये बना दी हमने नूडल्स, देखो कितने से लग रहे हैं, बाकी मंडा भी काट रहा है, इनके लिए बना दी बच्चों के लिए, और इनको दे देते हैं। चल दिव्यांश, परोस दिया, इतना बहुत है ना देर ले, है मेरा नहीं है। क्यों इसमें क्या है, कम चाहिए। ठीक है, तो कम लेते हैं, कम चाहिए। तो मेन रिव्यू आंसु, कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे ना, जब खा रहे यहाँ पे सबको दे दिए, बढ़िया हो रहे ना, दुकान वाले हो रहे। आप खोल दे ढाबा, है बहुत अच्छे हो रहे, खाओ बैठ के, सबके लिए बनाते हैं। अब ये देखो कहाँ चढ़ रखी है, कहाँ चढ़ गई है बेटा, सॉस खत्म हो गई है। नहीं दोस्तों, ये देखो इसमें ना सॉस खत्म हो गया, दिव्यांशी निकाली, कैसे निकालते हैं दिव्यांशी, निकाल दो। ये देखो दिव्यांशी का नया स्टाइल है भैया, सॉस इसके इसमें डाल, हाँ ये देखो दोस्तों, किसने सिखाया? मैंने सीखा। कैसे हो रहे भाभी? मस्त हो रहे। ये अंशु दूसरी बार आ गया, अंशु और खाएगा है? रात के लिए रख दूँ स्कूल के लिए, दूसरी बार खा रहा भी है। कल यही ले जाएगी। दिव्यांश सही हो रहा है ना, कल यही लेके जाएगी, फ्राइडे भी है कल, क्या कल फ्राइडे भी है, तो सब बैठ के खा रहे। थैंक यू, कल मेरे को पार्टी चाहिए फिर, हाँ। तो चलो दोस्तों, अब सब ने खा लिया है और मैं रह गया हूँ, और ये देखो नहीं खाया, और खाने हैं, और पड़ा है वहाँ, ये देखो बढ़िया से नूडल। और देख लो, हम मार्केट जाते हैं ना तो 60-70 रुपए की तो हाफ प्लेट मिलती है नूडल, यहाँ मैं 75 रुपए का पूरा मतलब लगा लो, लगभग 2 किलो लेके आया हूँ, और कितनी प्लेटें बन गई उसमें, आधा तो हमने रखा, आधा कल बनाएंगे, आधा आज हमने बनाया, कल महिंदर और वो भी पीहू भी आ जाएगा, तो उनके लिए भी बनाएंगे कल बर्थडे पार्टी में, क्यों। तो दोस्तों मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर मूवी, बाकी सब सो गए हैं, और कल दिव्यांशी का बर्थडे है, कल की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, कल मेरा साला है जो महेंद्र वो भी आने वाला है, तो कल दिव्यांशी का बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, तो कल की वीडियो में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यही तक, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट और अपने साथ शेयर करना मत भूलें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।